नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने भाषण भी दिया और बहुत कुछ बिहार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भी भाषण दिया, लेकिन तेजस्वी यादव भाषण के दौरान हकलाते हुए नजर आए। वो लिखा हुआ भाषण भी सही से पढ़ नहीं पा रहे थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भाषण देने के बाद जब मंच से उतरे, तब उन्होंने तेजस्वी यादव को एक सलाह दे दी। जाते जाते तेजस्वी यादव के कान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाह दी और कहा कि थोड़ा वजन कम करो। ऐसा हम इसलिए कह रहे थे कि जब मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण को खत्म करके उतरे, तब उन्होंने तेजस्वी यादव के पास जाकर ऐसा कह दिया, जिसके बाद तेजस्वी यादव मुस्कुराने लगे। पहले आप इस वीडियो को। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का अवसर दिया, इसके लिए मैं राज्य सरकार का, स्पीकर महोदय का और सभी यहाँ के वरिष्ठ जनों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ इस 100 साल की यात्रा आने वाले 100 साल के लिए नई ऊर्जा का केंद्र बने, इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम का समापन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत मंच पर मौजूद अन्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदा करने के लिए उनके साथ आ रहे थे, तो उसी दौरान प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव को कुछ ऐसा कह दिया जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद को स्वस्थ रखने के लिए योगा करते हैं और देश को फिट रहने की सलाह देते हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना वजन कम करने की सलाह दे डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तेजस्वी यादव को वजन कम करने की सलाह दी, तो ये सुनते ही वो मुस्कुराने लगे और उनके साथ चलते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान तेजस्वी यादव से उनके पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत की भी जानकारी ली। इससे पहले जब पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विधानसभा शताब्दी समारोह में अपना संबोधन कर रहे थे, तो उनके अंदर विश्वास की कमी साफ नजर आ रही थी। पहले तो वह लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे और कई बार अपने भाषण के दौरान वह कई मौके पर अटकते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में सबसे पहले स्पीकर विजय सिन्हा का भाषण हुआ, जिसके बाद दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव ने अपना संबोधन किया। अपने छोटे से भाषण के दौरान तेजस्वी यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न देने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह के दौरान अपना संबोधन करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने लय में नजर नहीं आ रहे थे। आमतौर पर तेजस्वी यादव लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते हैं, मगर विधानसभा शताब्दी समारोह में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, उन्होंने लिखा हुआ भाषण पढ़ा, जिसके बाद लगातार जेडीयू के नेता तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव के अंदर विश्वास का कमी है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए थे और इस दौरान तेजस्वी यादव को वजन कम करने की सलाह दे डाली। इसके बाद वो अपने पिता पैच, इसके साथ ही साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव की सेहत की भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।